सभी को नमस्कार। मैं आरके मेहता आपके सामने आ जाया हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। रामायण देखी आप लोगों ने? जरूर देखी होगी, मैंने भी देखी है। और अभी तो डीडी नेशनल पे दोबारा से स्टार्ट भी किया गया है और अदर चैनल्स पे भी शायद आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज जो रामायण से मुझे सीखने को मिली, उसका एक सीन है जो मुझे याद आ रहा है। हालांकि वो इन एपिसोड्स में तो नहीं दिखाया गया, मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा ये, तो मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अब ये सच है या नहीं पता नहीं मुझे। एक बार की बात है, जब भगवान राम लंका पहुंचने के लिए पुल बना रहे थे, सभी को मालूम है कि वो वानर सेना जो है पत्थरों पे राम लिख करके पानी में डाल रही थी जिससे कि वो पुल तैयार हो रहा था। जिस पत्थर पे राम लिखा जा रहा था वो पत्थर नहीं डूब रहा था, वो पुल की तरह इस्तेमाल हो रहा था। उसी समय में एक छोटी सी गिलहरी, एक बहुत छोटी सी गिलहरी, आप जानते हो गिलहरी को, स्क्वायर, छोटी सी गिलहरी, वो भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही थी। वो छोटे छोटे पत्थरों को उठा उठा करके वो भी मेहनत कर रही थी। अब छोटे से पत्थर, उस पे राम तो लिखा जाएगा नहीं, तो ऐसे ही बस उठा उठा करके फेंक रही थी। सुग्रीव जी, उनकी नजर पहुंची उस छोटी सी गिलहरी के ऊपर। उन्होंने देखा, ये गिलहरी ये क्या कर रही है, ये जिन पत्थरों को पानी में डाल रही है उस पर तो राम लिखा ही नहीं है, वो तो वैसे ही वेस्ट है, एक तरीके से वेस्ट ही जा रहा है, तो ये इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही है, इतना एफर्ट्स क्यों लगा रही है जब इससे कुछ होगा ही नहीं, और इसके पत्थर फेंकने से क्या हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो है बहुत तेजी के साथ हम पुल बना लेंगे, या इसके पत्थर ना फेंकने से जो हमारा पुल का काम रुक जाएगा, या सो ऑन। तो उन्होंने ये बात, मतलब हंसते हुए लहजे में ये बात उन्होंने लक्ष्मण जी को बताई, हनुमान जी को बताई। राम जी वो सब बातें देख रहे थे और मंद मंद मुस्करा रहे थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी, गिलहरी को उन्होंने हाथ में लिया, सभी कह रहे थे कि इसके इतने से मेहनत से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भगवान राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में पकड़ा और हाथों में पकड़ करके उसकी पीठ पर धीरे से एक बार सहला दिया, जो तीन उंगलियां होती है तीन उंगलियों से सहलाया। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि तब से उस गिलहरी के शरीर पे वो तीन उंगली के निशान, यानी जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है, वो हमेशा के लिए रह गया, वो सुंदरता उसको मिल गई, वरना पहले उसके अंदर वो शायद सुंदरता नहीं थी, सुंदरता उसको मिल गई। तो भगवान राम ने उन क्या कहा सभी को कि तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि ये इसके मेहनत से क्या मिल रहा है, तुमको बस ये दिख रहा है कि इसके छोटे छोटे पत्थरों से क्या हो जाएगा, लेकिन ये असली में क्या कर रही है ना, वो मैं बताता हूँ। तो भगवान राम ने सुग्रीव हनुमान और लक्ष्मण इनको ये समझाया कि हम जब बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर पानी में फेंकते हैं ना, तो उनके बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, छोटे छोटे छेद बाकी रह जाते हैं जहाँ से पानी ऊपर आने का चांस होता है, छोटे छोटे से छेद रह जाते हैं जिसमें हो सकता है कि गलती से किसी का पाँव चला जाए। हमारी सेना में कई वानर हैं जिनके पूंछ या पैर या कुछ भी उसमें अटक सकता है, तो इश्यूज हो सकते हैं काफी। तो बाद में कोई आपदा हो उससे पहले ही क्यों ना उसको, उसका सलूशन कर लिया जाए। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पत्थर फेंक रही है, ये उन्हीं छोटे छोटे छेद को भरने के लिए फेंक रही है, और तुमको ये चीज दिखाई नहीं थी। ये सुनते के साथ ही तीनों को समझ में आ गई बात कि ये ऐसा क्यों कर रही है। भगवान राम पहली बार में इस बात को समझ चुके थे। भगवान राम ने उसको उसके छोटे से एफर्ट के लिए, वो छोटा सा एफर्ट तो हमारे लिए हुआ, उस एक छोटी सी गिलहरी के लिए कितना बड़ा एफर्ट होगा वो उसके हिसाब से सोचो आप। तो उसके उस एफर्ट के लिए भगवान राम ने उनको हमेशा के लिए वो सुंदरता प्रदान करती, वो एक
उनको एक कह सकते हैं एक सुंदर सा शरीर दे दिया जिसकी वो हकदार थी। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? देखो ये कहानी कोई रियल बेस्ड है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। कंक्लूजन ये है, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे छोटे से एफर्ट से क्या हो जाएगा। जैसे आज के समय में लॉकडाउन है देश के अंदर, तो छोटे से एफर्ट से क्या हो जाएगा? हम अगर पीएम केयर फंड में छोटा सा अमाउंट डालते हैं तो क्या हो जाएगा? छोड़ो जाने दो, करते ही नहीं। या हम किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए किसी को अगर 100 रुपये 50 रुपये दान करने की सोचते हैं तो सोचते हैं क्या होगा हमारे इससे करने से? कुछ नहीं होगा, तो हम करते ही नहीं। लेकिन देश बनता है हमसे आपसे, मैं और आप मिलकर के देश को बनाते हैं। तो अगर हमारा ये छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी अगर हर घर से निकले और हर इंसान से निकले ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। मैं खुद छोटे छोटे बच्चों के लिए डायरीज बना करके या पेंसिल पेपर खरीद करके या बहुत सारी चीज़ें, लॉकडाउन नहीं उससे पहले से भी, बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स को जानते ही होंगे, या मेरे फेसबुक पेज पे इंग्लिश उतार के मैं तो नाम के पेज पे अगर वो लोग जुड़े हुए हैं तो वो मेरे को पहले से जानते हैं। तो ये चीज़ें जब मैं करता हूँ या मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ तो उस समय में मेरे को यही बात याद आती है, दिमाग में एक पल को आता है कि छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ें मैं याद करता हूँ कि हमारे एक छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये चीज़ सोचो आप। तो इसलिए सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के समय में जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद कीजिए। चाहे आप उनको खाना पहुंचा के मदद कर रहे हैं वैसे कीजिए, या फिर आप उनको मेंटली पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप वो कीजिए। और सभी स्टूडेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस समय को खाली ना जाने दें। आपके फ़ोन में इंटरनेट पैक्स है तो उस इंटरनेट को आप गलत यूज़ में ना करके आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इवन चाहे जैसे वो मेरा खुद का चैनल हो, मैं उसमें डेली क्लास बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, खासकर उन बच्चों को जो हमारे पुलिस भाई लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको थैंक यू कहने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन स्टार्ट करी थी, अभी भी चल रही है वो इंग्लिश बता के, मैं तो लिंक आपको दिख रहा होगा। तो उनके लिए मैंने शुरुआत की थी और मेरे जैसे हजारों लाखों टीचर्स हैं जिन्होंने ऐसे अच्छे कदम को उठाया है और एक नई शुरुआत करी है, उन सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के थैंक यू है सभी को। मैं सभी टीचर्स का बहुत सम्मान करता हूँ, सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद है, थैंक यू है, और उन सभी स्टूडेंट्स को जो हमें इतना प्यार देते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कई ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम में सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो ये जो छोटा छोटा अभी जो टाइम है ना आपके पास, जो छोटी छोटी पढ़ाई आपके सामने है, वही वो पत्थर हैं जो बड़े बड़े कंकड़ को, बड़े बड़े चट्टानों के छेद को भर रहे हैं। तो अभी के टाइम में सिर्फ मेरा ही यूट्यूब चैनल नहीं, कोई भी आप जिसको भी फॉलो करते हो उनके यूट्यूब चैनल से सीखिए, ज़रूर सीखिए, कुछ ना कुछ पढ़ाई की बातें सीखिए, बस टाइम वेस्ट ना कीजिए इस समय में। परिवार को समय दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, परिवार के साथ रहिए, खाली समय जब भी निकले ज़रूर आप पढ़ाई को टाइम दीजिए, बस समय बर्बाद ना करें। क्योंकि ये जो समय है कोरोना का, COVID-19 जो पूरे देश में फैला हुआ है, इस समय में जितना ज़्यादा हो सके अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आर के मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा वो अभी अपना एफर्ट कर रहे हैं और करें, स्टूडेंट्स को जितना हो सके सही डायरेक्शन देते रहें। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी मेहनत को समझें और उनका आउटपुट दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। और सभी टीचर्स और सभी हमारे डॉक्टर्स को और पुलिस, खासकर मेरी डिफेंस सिस्टम जो भी है हमारा, पुलिस है या चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, सबको बहुत बड़ा थैंक यू है। डॉक्टर्स को बहुत बड़ा थैंक यू है, टीचर्स को बहुत बड़ा थैंक यू है, सभी लोगों को देश में, देश के भले के लिए एक सफाई कर्मचारी भी काम कर रहा है उसके लिए भी उसको बहुत बड़ा थैंक यू है। तो आप सभी को सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आर के मैं तो पूरे देश की तरफ से आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ। तो मिलते हैं फिर, सभी को नमस्कार, स्टे सेफ स्टे होम।